क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके कैटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके कैटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके कैटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। आज कलेक्टर आपके साथ क्यों आए? हाँ, मैं जन स्वास्थ्य रक्षक है खंडवा जिले के। खंडवा जिले में 758 जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित है, जो विगत 28 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार के साथ समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जो वैश्विक बीमारी कोविड निकली थी, इसमें भी हमने ग्रामीण से उन्हें प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया, वो शासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है। हमें जस्ट कार्य के लिए विगत में स्वाति मीणा नायक और अभिषेक सिंह और विशेष गढ़पाले कलेक्टर महोदय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया है। हम वर्तमान में शासन में चाह रहे हैं, विगत 28 वर्षों से हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें नई बीमारियां, नई दवाई गोलियां जो है उनका प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे हम प्राथमिक उपचार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा सके और ग्रामीणों की मदद कर सके। समस्या क्या आ रही? तो शासन से मांग कर रहे हैं, हमारी मांग अभी सुनिए। अभी हमारे साथ में ये है कि अभी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा झोला छाप डॉक्टरों के विषय में जो कार्रवाई की जा रही है, तो हमारी ये मांग है कि हमको उन झोला छाप डॉक्टरों की गिनती में ना रखा जाए, क्योंकि हम 1995 के से 2001 तक प्रत्येक गांव में पंचायत के द्वारा नियुक्ति दी गई थी और प्रशिक्षण जिला कार्यालय, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा और CHV CMHO ऑफिस में हमारा प्रशिक्षण हुआ है, बाकायदा हमको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। शासन द्वारा हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए प्राइमरी हेल्थ के हिसाब से, तो इस चीज़ों से हमें दूर रखा जाए और हमारे पर किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। आप कहाँ पे सेवा दे रहे हैं? हमको बिल्कुल प्रशिक्षण सरकार ने दिया है, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस चीज़ से हमें दूर रखा जाए। मैं ग्राम पलकना में जन स्वास्थ्य रक्षक हूँ। आप कहाँ पे चला रहे? भगवानपुरा। ये आप कहाँ पे चला रहे हो? क्या कहेंगे? सुहान अमलपुरा। क्या कहेंगे इसको लेके, क्या समस्या है जी? क्या समस्या जा रही है, काय के लिए आए आप यहाँ पे? समस्या में यही है कि भाई अभी जो नई नई बीमारी आ रही है, कुछ दवाइयाँ जो हमारे समय में प्रशिक्षण दी हुई थी वो दवाइयाँ कुछ बंद हो गई है, कुछ नई दवाइयाँ आई है, तो हमें फिर से कुछ समय का प्रशिक्षण दे के हमें और अपडेट करें, ताकि हम जन जो ग्रामीण शहर के ग्रामीण लोग हैं जो उनकी और सेवा कर सकें। आप कहाँ पे सेवा दे रहे हैं? मैं अमलपुरा में जन स्वास्थ्य रक्षक। भैया आप कहाँ पे दे रहे हैं? आप ब्रजकिशोर सोनी ग्राम खेड़ी में हूँ, खालवा ब्लॉक में, और वहाँ पर हम ग्रामीणों को सेवा दे रहे हैं और 1996 से आज तक सेवा देते आ रहे हैं। सभी नेशनल प्रोग्राम में हमने सेवा दी, कोविड में भी हमने घर घर जा कर के लोगों को सेवा दी और बहुत अच्छी भूमिका सभी जन स्वास्थ्य रक्षकों ने निभाई है। और हम खंडवा जिले में 758 है जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 52,000 से अधिक जन स्वास्थ्य रक्षक सेवा दे रहे हैं। और हम सरकार की बात करें तो यहाँ पर जन स्वास्थ्य रक्षकों का इस तरह से निःशुल्क सेवा देने के बाद भी हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है, तो हमारी सरकार से भी यह गुजारिश है, निवेदन है कि हम लोगों को उचित तरीके से कहीं पर पदस्थ किया जाए, या हमारी आपकी जो गाइडलाइन जो पहले दी थी उस गाइडलाइन को अपडेट करके आज के परिप्रेक्ष्य में जो बीमारियां चल रही है वो नई नई दवाइयां आज पुनः आ गई, तो पुराने समय की जो दवाइयों को अपडेट करके आज प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि हम लोगों की सेवा गांव-गांव घर घर जाकर के अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा, झोला छाप का एक मुद्दा आ रहा है, तो झोला छाप को लेकर क्या कहेंगे? झोला छाप को लेकर के ये हम कहेंगे कि आज गाँव में कई लोग बंगाली जो बाहर से आए हैं और जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई चौथी पास है, कोई पाँचवीं पास है, कोई आठवीं पास है, और ये लोग यहाँ पर आकर खुलेआम ऑपरेशन कर रहे हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन बीमारियों को देख करके बाहर भेजना चाहिए उनका भी इलाज यहाँ पर कर रहे हैं और भरपूर पैसा कमा रहे हैं, और इनके चक्कर में हम लोग जो जन स्वास्थ्य रक्षक कम से कम पैसा लेकर के हमारे जीवन यापन कर रहे हैं और उन लोगों को सही सलाह दे रहे हैं, तो उनको भी ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं और गांव वालों की जान से खेल रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि इन झोला छाप डॉक्टरों को पहचान करके इनके खिलाफ सही कार्रवाई की जाए और जन स्वास्थ्य रक्षक को इस कार्रवाई से मुक्त किया जाए और उचित प्रशिक्षण दे करके ग्रामीण जन की सेवा के लिए हमें पदस्थ वापस किया जाए।
तो ये लोग क्या लाइसेंस के लिए कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के कर रहे हैं क्या? बिना लाइसेंस के ये लोग कर रहे हैं, जितने भी अपने बंगाली डॉक्टर हैं सारे बिना लाइसेंस के कहीं भी बैठे हैं। हर गली में एक तो मिल जाएगा और हर गांव में मिल जाएगा। और हम जन स्वास्थ्य रक्षा के, हमें जिला स्वास्थ्य जिला जन पंचायत से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, पंजीयन भी किया, पंजीयन भी किया गया है हमारा। क्या नाम है आपका? पंजीयन है। आपका नाम क्या है? ब्रज किशोर सोनी, ग्राम खेड़ी, खालवा ब्लॉक। सेवा दे रहे कौन से गांव में आप? सर, सेवा दे रहे में हूँ और पाटीदार जन स्वास्थ्य रक्षक। और मैं ये चाहूँगा कि जो बंगाली लोग हैं जो बंगाल से आकर यहाँ पर जो उपचार दे रहे हैं, 8-10 साल रहते हैं यहाँ के, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, यहाँ के पूरे डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और अपनी पुरानी पहचान छुपाते हैं, तो इनकी वास्तविक पहचान ली जाए ताकि अपने को पता रहे कि ये कहाँ से आए हैं और वास्तव में मतलब इनका उद्देश्य क्या है। अपने आपको बंगाली, क्योंकि वो बंगाली बताते हैं, अगर उसकी कंप्लेंट भी होगी तो बंगाल में, सर अगर यहाँ से छोड़ के भग भी जाता है तो उसको कहाँ पे ढूंढेंगे? तो उसकी पुरानी पहचान ली जाए ताकि वो कुछ भी मतलब हो गांव में अनहोनी तो कम से कम इनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। क्या इलाज करते हैं वो लोग? वो सर ऑपरेशन भी करते हैं, कैंसर की भी गारंटी ले लेते हैं, हर किसी भी प्रकार की बीमारी का वो इलाज करने में सक्षम रहते हैं, जबकि वो 5वीं फेल या 10वीं फेल रहते हैं। दांत निकालना, दांत लगाना, ऐसी इनकी सब गतिविधियाँ हैं। इसकी वजह से क्या है कि दूसरे जो प्रशिक्षित हमारे जैसे जन स्वास्थ्य रक्षक भाई हैं बहुत ही परेशान हैं। क्या नाम है आपका? दीपक पाटीदार। आप कुछ कहेंगे भी इसको लेके आप? मैं जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित हैं, हमें झोला साहब की गिनती में न लाया जाए, इसके लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देना है।